दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आईको J7 Pro 5G और Vivo V29e 5G फोन के बारे में। ये दोनों फोन का फुल कंपैरिजन करने वाला हूँ, इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है, क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में, इन दोनों फोन में से कौन सा फोन परचेस करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बना रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमीरुद्दीन और आपका स्वागत है टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में। सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं। दोनों फोन में सेम डिस्प्ले साइज दिया गया, डिस्प्ले में यहाँ पे कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। दोनों फोन में 6.78 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। दोनों फोन में नॉच नहीं दिया है, छोटा सा 5 इंच दिया गया। सेंटर में एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दोनों फोन में दिया गया है। दोनों फोन में 3D कोब डिस्प्ले दिया गया, काफी अच्छा बढ़िया डिस्प्ले मिल जाता है दोनों फोन में। दोनों फोन का डिस्प्ले में यहाँ पे कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। दोनों फोन का कैमरा का बात करें तो दोनों फोन में कैमरा भी बढ़िया मिल जाता है। दोनों फोन में डुअल रियर कैमरा दिया गया, जो प्राइमरी सेंसर है 64 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर का साथ में दोनों फोन में दिया गया, साथ में OIS मिल जाता है। और जो सेकेंडरी कैमरा है, सेकेंडरी कैमरा में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। Vivo V29 फोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर दिया गया और iQOO J7 Pro फोन में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी कैमरा का बात करें तो सेल्फी कैमरा में भी थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। iQOO J7 Pro फोन में 16 मेगापिक्सल का 5 इंच सेल्फी कैमरा दिया गया है और Vivo V29e फोन में इसमें 50 मेगापिक्सल का 5 इंच सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो सेल्फी कैमरा में यहाँ पे काफी बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। सेल्फी कैमरा में यहाँ पे वाइनर बन जाता है Vivo V29e फोन। रियर कैमरा ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो iQOO का फोन है इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर नहीं दिया, Vivo का फोन में अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मिल जाता है। दोनों फोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो Vivo V29e फोन में क्वालकॉम का प्रोसेसर दिया गया है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया है। इसका क्लॉक स्पीड है 2.2 GHz क्लॉक स्पीड चलता है। जीपीयू का बात करें तो एड्रोनो 619 जीपीयू मिल जाता है। यहाँ पे बात करें तो iQOO J7 Pro फोन इसमें काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इसमें MediaTek का प्रोसेसर दिया गया है, MediaTek Dimensity 7200 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया है। इसका क्लॉक स्पीड है 2.8 GHz क्लॉक स्पीड चलता है। जीपीयू का बात करें तो Mali-G 610 MC4 GPU मिल जाता है। ये जो प्रोसेसर है ये फोन नंबर का प्रोसेसर है, फोन नंबर पर आधारित है। जो क्वालकॉम का प्रोसेसर है ये 6 नंबर पर आधारित है। तो परफॉर्मेंस में ये क्लियर विनर बन जाता है iQOO J7 Pro फोन। दोनों फोन का OS यूजर इंटरफेस का बात करें तो दोनों फोन में Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, साथ में फोन टच OS दोनों फोन में दिया गया है। दोनों फोन का वारंट का बात करें तो दोनों फोन सेम वारंट पर अवेलेबल है। जो बेस्ट वारंट है 8GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जो हायर वारंट है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। दोनों फोन में मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल नहीं कर सकते। दोनों फोन का बैटरी का बात करें तो दोनों फोन में यहाँ पर बैटरी में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो Vivo का फोन है इसमें 5000 mAh का बैटरी दिया गया। फास्ट चार्जिंग का बात करें तो इसमें 44 वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पे बात करें तो iQOO J7 Pro फोन इसमें 4600 mAh का बैटरी दिया गया। फास्ट चार्जिंग का बात करें तो 66 वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। फास्ट चार्जिंग पर यह पे बाजी मान लेता है iQOO J7 Pro फोन और बैटरी पर यह पे बाजी मान लेता है Vivo V29e फोन। दोनों फोन का USB कनेक्टर का बात करें तो दोनों फोन में USB Type-C 2.0 दिया गया है। दोनों फोन में 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता है। दोनों फोन का सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो दोनों फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया और फेस अनलॉक मिल जाता है। बिल्कुल एक डिजाइन का बात करें तो दोनों फोन में काफी अच्छा बढ़िया शाइनी डिजाइन मिल जाता है। ग्लासी फिनिशिंग बैक दिया गया, अलग अलग कलर पर आता है, बढ़िया डिजाइन दोनों फोन में
मिल जाता है। दोनों फोन में कोऑप डिस्प्ले दिए गए तो इसकी वजह से काफी प्रीमियम लगते हैं दोनों फोन। तो दोनों फोन का डिजाइन पर यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता है। दोनों फोन का सिम सपोर्ट का बात करें तो दोनों फोन में आपको डुअल 5G सिम सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और 4G वोल्टेज भी मिल जाता है। दोनों फोन का इसमें कनेक्टिविटी का बात करें तो दोनों फोन में काफी अच्छा बढ़िया कनेक्टिविटी दिया गया, सभी कनेक्टिविटी दोनों फोन में मिल जाती है और NFC भी दिया गया है। दोनों फोन का प्राइस का बात करें तो Vivo V29e फोन का जो बेस्ट वारंटी है 8GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, ये फोन का प्राइस है 26,999 रुपीज पर आता है। और जो हायर वारंटी है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, ये फोन का प्राइस है 28,999 रुपीज पर आता है। यहाँ पे बात करें तो जो iQOO J7 Pro 5G फोन है, ये फोन का जो बेस्ट वारंटी है 8GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, ये फोन का प्राइस है 23,999 रुपीज पर आता है। जो हायर वारंटी है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, ये फोन का प्राइस है 24,999 रुपीज पर आता है। तो प्राइस पर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, 3,000 रुपीज कम प्राइस पर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको जो iQOO J7 Pro फोन है, तो 3,000-4,000 रुपीज कम प्राइस पर यह फोन देखने को मिल जाएगा। तो आप बात कर लेते हैं ये दोनों फोन का कन्फ्यूज का, इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है। अगर यहाँ पे स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो स्पेसिफिकेशन में मेरे ख्याल से यहाँ पर ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, 2-3 फीचर का डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे विनर बन जाता है स्पेसिफिकेशन में iQOO J7 Pro फोन। इसमें आपको 2-3 चीज बढ़िया देखने को मिल जाता है। सबसे पहला तो इसमें जो परफॉर्मेंस, आपको नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इस प्राइस रेंज पर, इसमें आपको काफी अच्छा बढ़िया बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। और इसमें फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स, ये दो चीज बढ़िया मिल जाता है iQOO J7 Pro फोन में। यहाँ पे बात करें तो Vivo V29e फोन, इसमें भी एक दो चीज बढ़िया मिल जाता है। सबसे पहले तो इस फोन में जो सेल्फी कैमरा है, आपको 50 मेगापिक्सल का 5x सेल्फी कैमरा मिल जाता है और इसमें बैटरी थोड़ा बढ़िया दिया गया है। अगर आपको बैटरी बढ़िया चाहिए और सेल्फी कैमरा बढ़िया चाहिए तो आप यहाँ पर जा सकते हैं Vivo V29e 5G फोन के तरफ। अगर आपको परफॉर्मेंस बेटर चाहिए, आप गेमिंग के लिए एक फोन परचेस करना चाह रहे हो और आपको फास्ट चार्जर चाहिए तो आप यहाँ पर जा सकते हैं iQOO J7 Pro 5G फोन के तरफ। ये फोन में आपको परफॉर्मेंस काफी बेटर देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर विनर बन जाता है iQOO J7 Pro फोन। अगर आप इन दोनों फोन में से एक फोन परचेस करना चाह रहे हो तो मैं यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट करूंगा iQOO J7 Pro फोन, ये फोन परचेस कर सकते हैं। ये फोन आपको 3,000-4,000 रुपीज कम प्राइस पर देखने को मिल जाता है और इसमें परफॉर्मेंस भी काफी बेटर देखने को मिलेगा। आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर लगा, कौन सा फोन के तरफ आप जाना चाहोगे, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइए और हो सके तो टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड पर जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूंगा आप लोगों को ऐसे ही मिलते रहे। चलिए इस वीडियो को खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।